Hi guys, this is Saima and welcome to your channel, The Foodie Soul by Saima. सबसे पहले Happy Holi to all of you. तो दोस्तों आज होली है और होली पे हम एक बहुत ही traditional dish बनाने वाले हैं जिसका नाम है मावा गुजिया. आज हम मावा से गुजिया बनाएंगे, स्पेशली होली में ही ये बनती है. तो आज मैं बहुत ही इजी वे में यहाँ पर आपको मावा गुजिया बनाना सिखाऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट. सबसे पहले हमने लिया 1 कप मैदा और इसमें जाएगा 4 बड़े चम्मच देसी घी. देसी घी हमारी गुजियों को बहुत ही खस्ता बनाएगा, तो इसलिए हम 4 चम्मच देसी घी डालेंगे, 4 बड़े चम्मच. और इसको मोइन करेंगे. मैदे को हमें मोइन करना है, अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से लड्डू बना करके इसका टेस्ट करेंगे. लड्डू बनाने का मतलब ये होता है कि हमारे मैदे में घी की मात्रा बिल्कुल सही है और वो बहुत बढ़िया सा तैयार होगा. तो इस तरह से हम इसको हल्के से मस लेंगे. देखिए हमारा मोइन हो चुका है बिल्कुल मैदा बढ़िया सा. अब हम पानी की मदद से एक बढ़िया सा आटा गूंधेंगे. तो इस तरह से हमने पानी लिया और पानी की मदद से हम बढ़िया सा आटा गूंधेंगे. यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी लिया है और पानी मिला करके हमने बढ़िया सा एक आटा गूंध लिया. इस तरह से हमें आटे को गूंध के रख देना है. ये हमारा आटा तैयार है और अब हम एक गीले कपड़े से इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे. दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली और उसमें डालेंगे 1 कप खोया. ये मैंने 1 कप मावा लिया है और इसको हम भूनेंगे. ध्यान रखेंगे गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसको आराम से भूनेंगे ताकि खोया हमारा चिपके नहीं और लगातार इसे हम चलाते रहेंगे. तो इस तरह से हम खोए को भूनेंगे, बढ़िया सा खोए को भूनेंगे. 4 से 5 मिनट तक हम खोए को भूनते रहेंगे और जब खोए में हमारे बढ़िया सा कलर आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं. 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच काजू, मैंने बारीक काजू काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच पिस्ता बारीक कटा हुआ, नारियल का चूरा, ये मैंने नारियल को कद्दूकश कर लिया था तो इस तरह से मैंने नारियल को कद्दूकश करके इसमें डाला, 3 बड़े चम्मच कद्दूकश किया हुआ नारियल. और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करेंगे. आप चाहें तो इसमें अपने मन मुताबिक अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं. तो इस तरह से हम इसको भूनेंगे, हल्का सुनहरा होने तक हम इसको भूनेंगे. और देखिए हमारा खोया भुन चुका है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे. रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप पिसी हुई बारीक चीनी. ये मैंने 1/4 कप चीनी लिया है. चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. जैसा आपको मीठा खाना हो उस हिसाब से आप चीनी को बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं. मैंने मीडियम रखा है. और अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच केवड़ा वाटर और इसको मिक्स करेंगे. बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं. और ये देखिए हमारी फिलिंग अब रेडी है. और इधर हमारे आटे को भी 15 मिनट हो चुके हैं. अब हम आटे को एक बार फिर से पंच मारेंगे, एक बार फिर से मस लेंगे. और हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है, बढ़िया सा आटा, मुलायम आटा, बढ़िया सा गूंधा है. और अब हम इसकी पेड़े बनाएंगे. तो इस तरह से हमने पेड़े बना लिए हैं और अब हम इनको बेलेंगे और गुजिया का शेप देंगे. तो इस तरह से आप सारे पेड़े तैयार कर लीजिएगा. और अब हम इस तरह से पेड़े लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग करेंगे और अपने पेड़ों को शेप देंगे. इस तरह से हाथों की मदद से हम थोड़ा सा मैदे को फैला लेंगे और इसको छोटी छोटी पूरियों जैसा बेल लेंगे. तो इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियों जैसा बेल लिया है और अब हम इसको शेप देंगे. तो शेप देने के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास गोल साइज़ का कोई भी बर्तन हो या कोई भी कुकी कटर हो, जो भी आपके पास जिस साइज़ की आपको गुजिया बनानी हो इस तरह से लेंगे. मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और इससे कटिंग कर लिया है. ये देखिए बढ़िया सी गोल साइज़ की हमें रोटी मिल गई है, पूरी मिल गई है. और अब हम इसमें अपनी फिलिंग को डालेंगे. तो इस तरह से मैंने हाथों पे रखा इसको और इसमें अपनी फिलिंग को भरा और इसको फोल्ड करेंगे. दोनों कोनों को हमें चिपका देना है, हल्का सा पानी भी आप लगा सकते हैं. दोनों कोनों को अच्छे से प्रेस करके हम इसको चिपका देंगे और अब हम इनको शेप देंगे. तो पिंच एंड फोल्ड, एक बार हम इसको हल्का सा दबाएंगे और उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे. तो पिंच एंड फोल्ड की मदद से इस तरह से हमारी बढ़िया सी डिज़ाइन गुजिये की तैयार हो जाएगी और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों. इस तरह से मैं दूसरी बार भी आपको इसको बनाना सिखाऊंगी. एक मैंने रोटी ले ली है, बढ़िया सी पतली रोटी, ध्यान रखिएगा उसकी जो मोटाई होगी वो बहुत ही पतली होगी ताकि गुजिया हमारी बहुत ही क्रिस्पी बने. और इस तरह से हमने उसमें फिलिंग को भरा, फोल्ड किया, कोनों को हम अच्छे से चिपका लेंगे. इस तरह से सारे कोनों को हम अच्छे से चिपका लेंगे और इसको पिंच एंड फोल्ड के मेथड से इसको भी गुजिया के शेप देंगे. तो इस तरह से सारे कोनों को हमने चिपका लिया बढ़िया सा और अब हम पिंच एंड फोल्ड के मेथड से अपनी गुजिया को बनाएंगे.
थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं आप, तो पानी लगाने से आपकी गुजिया बहुत आसानी से चिपक जाएगी, तो इसलिए कॉर्नर्स पे आप पानी लगा के भी, तो इस तरह से हमने पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड, ये बहुत बढ़िया तरीका है इस गुजिया को बनाने का, ट्रेडिशनल वे में गुजिया को बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से हम पिंच एंड फोल्ड करके अपनी गुजिया को तैयार कर लेंगे। बाकी गुजिया भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया बहुत बढ़िया सी डिज़ाइन आ गई है इसमें, और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई, इस तरह से हमने सारी गुजिया तैयार कर लिया। और अब टाइम आता है फ्राई करने का। ध्यान रखिएगा मैंने देसी घी में इसको फ्राई किया है, क्योंकि मैंने देसी घी से गुजिया बनाया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देसी घी को गर्म कर लिया है। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे, बट जब हम गुजिया डालेंगे तो उसको मीडियम टू लो पे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमने गुजिया को अपने कढ़ाई में डाल दिया है और ये बढ़िया सी फ्राई होने लगी है। ये बढ़िया सी फ्राई हो रही है और देखिए इसको हम देखेंगे इसमें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। तो जब बढ़िया से ये क्रिस्पी फॉर्म तक फ्राई हो जाए, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, तो हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। देखिए बढ़िया सी ये फ्राई हो चुकी है और बहुत ही खस्ता है। तो इस तरह से हम वन बाई वन अपनी गुजिया को प्लेट आउट कर लेंगे। बाकी गुजिया भी हमारी फ्राई हो गई हैं। इस तरह से हम बाकी को फ्राई, जो हमारी फ्राई हो जाएंगी उनको हम निकालते जाएंगे और जिनको हमें फ्राई करना है वो हम डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब टाइम आता है डेकोरेशन का। तो बढ़िया सा हम इसको डेकोरेशन देंगे, तो बढ़िया सा इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिल्वर शीट लिया है मैंने, या चांदी का वर्क लिया है, और उससे हमने अपनी गुजिया को डेकोरेट किया। देखिए कितना अच्छा सा, कितनी खस्ता गुजिया बन गई है, और उस पर चांदी के वर्क ने बिल्कुल चार चांद लगा दिया है। तो दोस्तों इस होली पे आप अपनी मावा गुजिया को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द फूडी सोल बाय साइमा। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से होली मनाइएगा। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। दोस्तों हैप्पी कुकिंग करिए, बढ़िया सी होली मनाइएगा। मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अलविदा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय, हैप्पी होली।